कॉर्डलेस माइक है उसको बंद रखेंगे, उसको बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, डिस्टर्बेंस नहीं आएगा ज़्यादा। माइक नहीं है, बंद बंद कर, बंद है। तो हम देखते हैं कि दुर्योधन बता रहे हैं कि उनके साइड से कौन कौन है, युद्ध लड़ने के लिए कौन कौन आए हुए हैं। हरे कृष्ण तो कह रहे हैं कि कौन कौन युद्ध लड़ने के लिए आए उनके साइड से, पांडवों के साइड से कौन कौन है। तो पहले तो नाम किसका लेते हैं, पहले नाम लेते हैं भीमा अर्जुन समायुधु, भीम और अर्जुन। पहले वो भीम का नाम लेते हैं। दुर्योधन भीम का नाम क्यों ले रहे पहले, क्योंकि दुर्योधन का जो युद्ध है वो भीम के साथ होने वाला था। दुर्योधन स्वयं गदा युद्ध में पटु थे, लेकिन उनको बाण से युद्ध करना नहीं आता था, उनको सिर्फ इतना आता था गदा युद्ध में पटु थे। और पांडवों के ओर से गदा युद्ध में एक्सपर्ट कौन है, भीम है। इसलिए उनको पता है कि भीम के साथ ही मेरा युद्ध होने वाला है, और गदा युद्ध में मुझे अर्जुन नहीं हरा सकता, सिर्फ भीम ही हरा सकते है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि पहले नाम भीम का ले लिया। बोले भीम है, उसके साथ सब कौन है, अर्जुन है, उनके साथ युधान है, विराटस्य युधान है, विराट है, ऐसे कई सारे युद्ध है, पुरुष है, वो सभी के सभी कैसे हैं, महान रति है, महारति है। मैंने पहले भी कहा था कि तब जैसे अभी आर्मी में अलग अलग पोस्ट होती है ना, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जनरल, वैसे तब हुआ करता था कि एक होती थी जो आम जनता होती थी, जो फुट वॉकर्स रहते थे वो युद्ध करते थे, पैदल चलने वाली सेना। उसके साथ साथ कुछ लोग हैं जो घुड़सवार रहते थे, घोड़े के ऊपर बैठ के युद्ध करते थे, कुछ हाथी सवार रहते थे, हाथी के ऊपर बैठ के युद्ध करते थे। लेकिन इन लोगों को ये आम आर्मी हो गई, ऐसा कह सकते हैं, ये आम आदमी हो गई, आर्मी हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छे योद्धा रहते थे उनका विभाजन होता था रति रति महारति अति रति, ऐसे उनका विभाजन होता था। तो रति जो है वो एक व्यक्ति दूसरे एक रति के साथ युद्ध कर सकता था, जो महारथीज होते हैं वो महारथी एक अकेला महारथी दूसरे 1000 रतियों के साथ युद्ध कर सकता है, और जो अतिरथी होते हैं वो अकेला अनलिमिटेड आर्मी के साथ युद्ध कर सकता है। तो कह रहे हैं कि ये सभी लोग क्या है, महारथा है। उसके बाद कौन है, तो उसके बाद बोले इनके साथ साथ दुष्ट केतु चेतितान काशीराज पुरजीत कुंती भोज तथा शब्द जैसे महान शक्तिशाली पराक्रमी इनके साथ है। ऐसे फिर बहुत सारे लोगों के नाम बताता, योदान और भी सुभद्रा के पुत्र है, द्रौपदी के पुत्र है, ये सभी के सभी कैसे हैं, महारथी है जो इस युद्ध में लड़ने वाले हैं। ये सभी कुछ मुख्य योद्धाओं के नाम वो गिनाता है जो कि पांडवों के ओर से युद्ध करने वाले। अभी अपर्व महाभारत में जाके इस हर योद्धा का हिस्ट्री जानने का प्रयास करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा भगवद गीता कभी चालू नहीं हो जाएगा ठीक से, फिर तो महाभारत का कथा चालू करना पड़ेगा, ये हर किसी योद्धा के बारे में या उनका जीवन हिस्ट्री जानने के लिए जाएंगे तो। इसलिए हम इनका हिस्ट्री नहीं जानेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, भगवद गीता की पढ़ाई करनी है। और ये बताने के बाद फिर वो बोलते हैं कि ये सभी लोग क्या है, वो उनके साथ लड़ने वाले है पांडवों की ओर से। और फिर हमारे ओर से कौन कौन लड़ने वाले हैं, तो बोलते हैं भगवान भीष्मस्य द्रोणस्य कर्णस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजया, बोल रहे स्वयं आप हो, भीष्म है, द्रोण जो है उनको भगवान कहा गया है कि स्वयं आप हो, द्रोणाचार्य को कह रहे हैं कि आप द्रोणाचार्य आप स्वयं हो, भीष्म हमारे ओर से है, कर्ण हमारे ओर से है, उसके साथ साथ कृपाचार्य हमारे ओर से, समितिंजय हमारे ओर से, अश्वत्थामा विकर्मस्य सोमदत्त आदि ये सभी लोग क्या है, ये सभी महारथीज क्या है, हमारे ओर से युद्ध लड़ने वाले हैं। और ये छोड़ के भी अन्य कई सारे नाना शस्त्र अस्त्र के साथ क्या है, हमारे साथ में है, जो हमारी ओर से पांडवों के साथ युद्ध लड़ेंगे। और ये बोलने के बाद वो कहते हैं, किनको कह रहे हैं, द्रोणाचार्य के साथ चर्चा चल रही है, किनकी चर्चा चल रही है, दुर्योधन की चल रही है, द्रोणाचार्य के साथ बात कर रहे हैं, दुर्योधन बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये सभी जो पांडवों का बल है, पर्याप्तम तसम बलम बलम भीष्माभिरक्षिति,
कह रहे हैं कि हमारा बल जो है वो पांडवों से बहुत शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि हमारे ओर से जो मेन योद्धा है, जो शक्तिशाली योद्धा है, वो कौन है? भीष्म है स्वयं। मैंने पिछले बार भी कहा था कि एक भीष्म के अंदर कितनी शक्ति है, 1 भीष्म = 25,000 अर्जुन। 25,000 अर्जुन के पास अर्जुन मिलके जितनी शक्ति थी, उतनी अकेले एक भीष्म के पास शक्ति है। इसलिए कहते हैं कि इसलिए हमारा बल कैसा है? अपर्याप्त है। हमारे बहुत ही शक्तिशाली आर्मी हमारे साथ है। पर्याप्तम तिदने में बलम भीमा भी रक्षति, लेकिन कैसा है, बाकी जो लोग है पांडवों के साथ जो है वो क्या है, वो सभी के सभी उनका जो उनके पास जो शक्ति है वो सभी के सभी क्या है, सीमित शक्ति है। और ऐसी सीमित शक्ति के साथ वो हमारे सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। क्यों सीमित शक्ति है? क्योंकि उनकी रक्षा कौन करने वाले, तो उनमें जो सबसे महानतम योद्धा है वो कौन है, वो भीम है। इसलिए भीष्म के सामने भीम का तो कोई शक्ति नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हमारा बल जो है वो अपर्याप्तम है, लेकिन भीम का रक्षक में जो पांडवों की सेना है उनका बल कैसा है, पर्याप्त है। और ये सब जब चल रहा था तो दुर्योधन को ऊर्जा देने के लिए या उनको क्या करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, स्फूर्ति देने के लिए पितामह भीष्म शंखनाद करते हैं। सिंहे नादो विनद्वेश शंखे दम्भो प्रतावना, जो शंखनाद करना चालू कर देते हैं। कौन शंखनाद करते हैं? भीष्म शंखनाद करते हैं। और भीष्म शंखनाद करने के बाद उससे क्या होता है, उनकी जो शंखनाद सुनने के बाद कई सारे नगाड़े बिगुल आदि क्या करने लगते हैं, बजने लगते हैं। ये सब कौन बजा रहा है? कौरव आर्मी वाले बजा रहे हैं, क्योंकि भीष्म ने शंख बजाया तो कौरव के आर्मी में जितने भी लोग थे वो सभी क्या बजाने लगे, नगाड़े आदि का ये करने लगे, बजाने लगे। और ये सब जब चल रहा था तब दूसरी ओर क्या चल रहा है, दूसरी ओर ये जब शंखनाद होता है युद्ध में, ऐसा माना जाता है कि जैसे ही शंखनाद हो जाता है वो युद्ध की शुरुआत की क्या है, घड़ी काउंट की जाती है कि वहां से युद्ध शुरुआत होगा। तो जब भीष्म ने शंखनाद बजाया, सबने शंखनाद किया, बाकी लोगों ने भी नगाड़े बिगुल आदि जो भी उनके पास थे हथियार, जो बजाने वाली जो चीजें थी उनको जब उन्होंने बजाने को शुरुआत कर दिया, तो फिर बाकी जो लोग है वहां पे जो पांडवों की आर्मी से जो लोग है वो लोग भी क्या बजाने लगे, शंख बजाने लगे। उनके शंख का नाम दिया हुआ है पंचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजया पौंड्र दम्भो महाशंख भीम कर्म वृकोदका। तो इनके शंख का नाद सुनते, इनके शंख का आवाज सुनते ही भगवान ने भी स्वयं शंख बजाया। पंचजन्य, उनके शंख का नाम है पंचजन्य ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब स्वयं भगवान ऋषिकेश, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन ने भी शंख बजाया, अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त धनंजया। और उसके बाद पौंड्रो धम्यो महाशंखो, पौंड्र नामक शंखो बहुत ही जोर से बजाया। किसने बजाया? वो भीम कर्म कोदका, भीम ने वो शंख बजाया है। और उसके साथ साथ फिर बाकी जो लोग हैं उन लोगों ने भी शंखनाद करने लगे, उनके भी शंख का नाम दिया गया अनंत विजयो राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पक। तो इन लोगों ने भी क्या करने लगे, शंख बजाने लगे। और इन लोगों के सबके शंख का नाम जो जो आवाज है वो सुन के क्या कर दिया, बाकी काशुराज खंडी आदि लोगों ने भी क्या कर दिया, शंख बजाना शुरुआत कर दी। तो आप लोग फिर से जाके पढ़िए और जाके लिस्ट बनाइए कि किसका कौन सा शंख है। जैसे पंचजन्य भगवान के शंख का नाम है, वैसे अन्य लोगों के शंख के नाम भी दिए हुए हैं, जिसको आप जाके अगर उसको नोटबुक में लिखेंगे या नोटबुक में नोट करेंगे तो आपका एक भगवद गीता का अच्छा स्टडी हो जाएगा। और ये सब शंखनाद इतना भयानक था, ये भयानक आवाजें जो थी, किन्होंने बजाए हुए शंख की, ये शंख किन्होंने बजाए हुए हैं, पांडवों ने बजाए हुए हैं। पांडवों ने जो शंख बजाए उसका आवाज या उस शंख की गर्जना इतनी भयानक कि उसके वजह से जो धृतराष्ट्र के पुत्र है सघोषो धृतराष्ट्राना हृदयानि व्यदारयत, जो धृतराष्ट्र के पुत्र है वो सब क्या हो गए, भयभीत हो गए। इतने सारे लोगों ने पांडवों के, पहले तो करो कौरवों के जितने भी सारी सेना थी सभी लोगों ने शंख बजाए थे ना, लेकिन कौरवों के लोगों ने शंख बजाने से भी क्या नहीं हुआ,
पांडवों को कुछ परिणाम, सेना के ऊपर कोई परिणाम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जब पांडवों की सेनाओं में शंख बजने लगे तो उस शंख के आवाज से, उस शंख की ध्वनि से क्या हो गया, हृदय द्रवित हो गया है कौरवों का। तो ये बात इसलिए इस सेक्शन को कहते हैं, बहुत बार जो भगवद गीता के जानकार है वो कहते हैं कि दिस इज द साइन ऑफ विक्ट्री। ये दिखा रहे हैं कि जो लोग युद्ध चालू होने के पहले ही अगर भयभीत हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो क्या होने वाले, युद्ध में हारने वाले हैं, वो जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि युद्ध की शुरुआत से ही क्या हो गया, युद्ध शुरू होने के पहले से ही वो लोग क्या हो गए, डर गए हैं, उनका हृदय क्या हो गए, विदीर्ण हो गए है इस सभी शंख को, आवाज को सुन के। और उसी समय क्या हो गया है, ये सब शंखनाद आदि होने के बाद हनुमान के जो ना कपित ध्वज, धृतराष्ट्राश्च कपित ध्वज, जिसका ध्वज हनुमान के चिन्ह से अंकित है, जिस रथ का ध्वज हनुमान के चिन्ह से या हनुमान की चित्र से, जिसके ध्वज के ऊपर हनुमान का चित्र निकाला हुआ है, ऐसे ध्वज में कौन सवार हुए है, कृष्ण अर्जुन ऐसे रथ में बैठ के आए हुए है। अभी हनुमान जी यहाँ पे कहाँ पे आ गए, बीच में इस पूरे भगवद गीता के बीच में हनुमान जी कहाँ आ गए, भाई महाभारत में हनुमान जी कहाँ आ गए। तो एक समय में जब भीम गए थे जंगल में, और उनकी भेंट किन के साथ हुई थी, हनुमान जी के साथ हुई थी। आप सभी लोगों ने वो कथा सुनी होगी कि भीम को अपने बल का बहुत क्या हो जाता है, गर्व हो जाता है। तो हनुमान जी, वो तो भगवान उनको बताते हैं, और हनुमान जी क्या करते हैं, रास्ते में आके बैठ जाते हैं, अपनी पूंछ रास्ते में डालते हैं। तो भीम उनको कहते हैं कि भाई आप अपनी पूंछ हिला दो, यहाँ से हटाओ, मुझे जाना है आगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरे अंदर तो उतनी शक्ति नहीं है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ ब्राह्मण, तो आप क्या करो, ये आप नौजवान हो, शक्तिशाली हो, मैं तो इतना बूढ़ा बंदर हो चुका हूँ, तो मैं नहीं हिला सकता, आप खुद ही हिलाओ। तो भीम सोचते हैं कि बंदर की पूंछ है, ऐसे ही पैर से उठोकर मारते उड़ाने का प्रयास करते हैं, कि नहीं। बाद में भीम अपना पूरा शक्ति लगाने का प्रयास करते, लेकिन वो पूंछ को उठा नहीं पाते। तब वो समझ जाते हैं कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक राक्षस, गंधर्व, यक्ष, देवता सबके साथ युद्ध किया, कोई मेरे सामने युद्ध में टिक नहीं पाया, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है कि जिसका क्या नहीं मिल पा रहा, मैं पूंछ तक हिला नहीं पा रहा। जब वो उनको शरण लेते हैं, जब तक हनुमान जी उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, और भीम कहते हैं कि आप हमें क्या करो, मदद करो। किसके लिए मदद करो, युद्ध के लिए मदद करो, महाभारत युद्ध जब होगा, हम कौरवों के साथ युद्ध करेंगे, उसमें आप हमारी मदद करो। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, ये मेरा समय नहीं है युद्ध करने का, मेरा समय जो था कहाँ, कब का था, वो त्रेता युग का समय है, ये अभी द्वापर युग की शुरुआत हो चुकी है, या द्वापर युग खत्म हो गया है, महाभारत का युद्ध है वो द्वापर युग के अंत में हुआ था। तो द्वापर युग खत्म होने जा रहा है, तो उस समय में मैं नहीं आ सकता हूँ युद्ध में, ये आपका युद्ध करने का समय है, युद्ध आपको ही करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मैं आपको मदद करूंगा। कैसे मदद करूंगा, तो वो भीम को कहते हैं कि मैं ध्वजा के ऊपर अंकित रहूंगा अर्जुन के, और अर्जुन को जब भीष्म के बाण आएंगे अर्जुन को लगने के लिए, तब मैं अर्जुन की रक्षा करूंगा उस बाणों से। और जब भीम चिल्लाएंगे, भीम जब जोर से गर्जना करेंगे, तो बोले उस भीम की आवाज में मेरी आवाज भी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो जब भीम, अगर आप महाभारत का युद्ध कांड को, युद्ध के प्रकरण को देखेंगे ना, युद्ध पर्व अगर ठीक से देखेंगे, तो उस युद्ध के प्रसंग में भीम इतने जोर से चिल्लाते हैं कि उनके चिल्लाने के वजह से हाथियों के कान तक क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, इतने जोर से भीम चिल्लाते। तो वो आवाज किनकी थी, सिर्फ भीम की आवाज नहीं थी, उसके अंदर किसकी आवाज मिक्स थी, उसकी आवाज हनुमान की भी मिक्स थी। और यही भीम जो है, सॉरी हनुमान जी है, उन्होंने एक बार गर्वहरण इनका भी कर दिया था, अर्जुन का भी कर दिया था। अर्जुन को भी एक बार ऐसा ही प्रश्न मन में उपस्थित हुआ था कि रामचंद्र तो इतने अच्छे धनुर्धर हैं, स्वयं भगवान हैं, तो वो बाणों का पुल क्यों नहीं बनाए, ये पत्थर का पुल बनाने की क्या आवश्यकता थी लंका जाने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसकी आवश्यकता इसलिए थी कि बंदर बहुत शक्तिशाली थे, वो अगर बाणों के पुल से जाते थे ना, वो तो पुल टूट जाता था, इसलिए क्या कर दिया, भगवान ने पत्थर का पुल बना दिया। तो अर्जुन सोचते थे क्या सच में ऐसे पुल टूट जाएगा बाणों से। तो उसी समय में भगवान वहां पे थे, अर्जुन के साथ चर्चा चल रही थी, हनुमान जी आ गए भगवान का दर्शन लेने के लिए, भगवान कृष्ण का दर्शन लेने के लिए।
जमुना के किनारे ये चर्चा चल रही थी, तो भगवान ने कह दिया अर्जुन की आप बानों का पुल बना दो नदी के ऊपर, जमुना के ऊपर। तो उन्होंने बानों का पुल बना दिया और भगवान ने कहा हनुमान को कि आप चल के जाओ इस पुल के ऊपर से। तो हनुमान अकेले उस पुल के ऊपर से चल के गए तो हनुमान जी जमुना के अंदर गिर गए, पुल टूट गया। इससे जो अर्जुन का गर्व था कि मैं बहुत ही अच्छा धनुर्धर हूँ, टूट गया। क्योंकि धनुष से वह भीम इसके सामने, हनुमान के सामने उनकी कोई शक्ति नहीं चल रही थी। तभी हनुमान ने भी उनको कहा था कि मैं आपको मदद कर मांगी थी उन्होंने, हनुमान जी कहे मैं तो डायरेक्ट युद्ध में नहीं आ सकता लेकिन आपको मदद जरूर करूँगा। इसलिए पूरे महाभारत के युद्ध में हनुमान जी कहाँ पे बैठे हुए थे, जो ध्वजा है, जो अर्जुन के रथ की ध्वजा है, उस ध्वजा में हनुमान जी बैठे हुए थे। तो उस ध्वजा से अंकित जो हनुमान जी का रथ है, ऐसे रज में बैठे हुए अर्जुन कृष्ण से बात कर रहे थे। इसलिए आप देखेंगे कि 21 नंबर श्लोक से अर्जुन बोलने लगते हैं, अर्जुन वाच, अर्जुन चालू हो जाते हैं वहाँ से बोलना। अर्जुन क्या बोलते हैं, सेनो सेनयोरुभयोर मध्य रपन तापस्त में अच्युतम। वो अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि हे भगवान कृष्ण आप क्या करो, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो। क्यों बीच में लेकर चलो दोनों सेनाओं के, तो क्योंकि मुझे युद्ध की इच्छा से यहाँ पे युद्ध की अभिलाषा रख के इस शस्त्र के इस युद्ध में जितने सारे लोग उपस्थित हुए हैं, जितने सारे महान महान धनुर्धर इस युद्ध में उपस्थित हुए हैं, किस चीज़ के लिए, मेरे साथ युद्ध करने के लिए, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। वैसे तो वो अभी मारे जाने वाले हैं क्योंकि अर्जुन को पूरा पता है कि वो युद्ध जीतने वाले हैं और उनको लगता है कि अभी ये सब मारे जाने वाले हैं तो क्या होने वाला है, मुझे एक बार इन सबको देखना है। इसमें कई सारे धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र हैं, उनके पास इतनी बुद्धि भी नहीं है कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए। इतने बार शांति प्रस्ताव लेके स्वयं भगवान भी गए थे उनके पास, फिर भी वो शांति करने के लिए रेडी नहीं है, फिर भी वो तैयार नहीं है ना। कभी कभार व्यक्ति अपने शक्ति के मद में, अहंकार में क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या नहीं करना चाहिए, शक्ति का अहंकार नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन शक्ति के अहंकार में या सेना के अहंकार में, शक्ति नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारी सेनाएं थी कुरुवंश के पास या कौरवों के पास, उस अहंकार में उन्होंने सोच लिया कि क्या करेंगे, हम युद्ध करेंगे इनके साथ, हम युद्ध करेंगे। भगवान स्वयं शांति प्रस्ताव लेके गए हैं लेकिन फिर भी उनको भगवान का दिया हुआ प्रस्ताव की भी वो क्या कर रहे थे, अवहेलना कर रहे थे। उनके साथ मिलके युद्ध करने के लिए वो तैयार नहीं थे, सॉरी शांति करने के लिए, शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो युद्ध के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। इसलिए ऋषिकेश को, मतलब कि भगवान कृष्ण को अर्जुन प्रार्थना कर रहे या आदेश दे रहे एक तरीके से कि कहाँ लेके चलो मुझे, दोनों सेनाओं के बीच में, रतम स्थापी रथ को मेरे उन दोनों सेनाओं के बीच में जाके स्थापित करो आप मुझे, ताकि मैं इन सभी लोगों को देखना चाहता हूँ एक बार कि कौन कौन ये लोग हैं जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए लालाय थे या युद्ध की अभिलाषा रख के इस युद्ध भूमि में उपस्थित हुए हैं। तो इनके बारे में वो पूछते हैं और पूछने के बाद उसके बाद सीधा सीधा संजय उवाच है। भगवान एक भी शब्द अब तक बोले नहीं है। भगवद गीता का प्रथम अध्याय जो है उस अध्याय में भगवान का कोई श्लोक नहीं। इसलिए आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि आप लोग ढूंढ के रखिए कि टोटल 700 श्लोकों में अर्जुन के कितने श्लोक है, संजय के कितने श्लोक है और भगवान ने कितने श्लोक बोले। धृतराष्ट्र ने तो एक ही श्लोक बोला है, वो तो कम है, लेकिन बाकी लोगों ने कितने श्लोक बोले या क्या करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन भूल गए ना लोग, इसलिए जब खुद मेहनत कोई करेगा ना जाके हर जगह पे कि संजय हुआ चाहे अर्जुन वहाँ पर कहाँ कितना लिखा है और काउंट करेंगे तो ही याद में रहेगा, नहीं तो याद में नहीं रहेगा किसी को। तो थोड़ा सा भी खुद जाके होमवर्क कीजिएगा इसको। तो फिर आगे संजय कंटिन्यू कर रहे हैं भगवद गीता में कि ये सब हो गया यहाँ तक, और फिर संजय कंटिन्यू कर रहे हैं कि इस संबोधन को सुनते ही भगवान कृष्ण ने दोनों दल के बीच में क्या कर दिया, रथ को लाके खड़ा कर दिया। कहाँ पे खड़ा कर दिया रथ को लाके, दोनों सेनाओं के बीच में, भीष्म द्रोणस्य प्रमुखतः।
रथ तो खड़ा कर दिया भगवान ने लाके, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, क्योंकि अर्जुन की यही इच्छा थी कि दो सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके चलो करके, तो क्या कर दिया दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाऊंगा। लेकिन भगवान ने यहाँ पे दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ लेके गए हैं, तो उन्होंने रथ को किनके सामने रख दिया, भीष्म द्रोण प्रमुखता, हाँ जहां से भीष्म और द्रोणाचार्य दिखाई दे ऐसे जगह पे दे दिया, वो प्रमुखता दिखाई दे, बाकी भी सेना दिख रही है लेकिन डायरेक्ट सामने कौन दिखाई देंगे उनको, भीष्म और द्रोणाचार्य, इन दोनों दिखाई दे अगर भगवान ने, क्योंकि भगवान को ज्ञान प्रदान करना है ना भगवद गीता का, अगर वो यही जो अगर भीष्म और द्रोण के सामने ना लाते हुए अगर दुर्योधन और कर्ण के सामने रथ को लेके जाते थे तो तुरंत युद्ध चालू हो जाता था, अर्जुन को कोई डाउट नहीं था मन में उनके, कोई संदेह नहीं था उनके मन में, वो तुरंत क्या कर देते थे, युद्ध की शुरुआत हो जाती। इसलिए भगवान ने क्या कर दिया है, अर्जुन का जो रथ है वो किसके सामने जाके खड़ा कर दिया, भीष्म द्रोण प्रमुखता उनके सामने रथ को खड़ा कर दिया, और अर्जुन ने वहां पे कई सारे लोगों को देखा, किसको देखा तो लिख रहे हैं 26 लोगों में, डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्ष की सेनाओं में मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामह गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभचिंदु को भी देखा, इतने सारे लोगों को अर्जुन ने वहां पे अपने सामने देख लिया है, जो किस लिए आए हैं, युद्ध की लालसा या युद्ध करने के लिए वहां पे उपस्थित हुए हैं, युद्ध भूमि में उपस्थित हुए हैं, और इन सभी लोगों को जो युद्ध करने की लालसा से वहां पे उपस्थित हुए हैं, कौन कौन है उसमें, तो उसमें पितामह है, भीष्म स्वयं है, उसके साथ साथ उनके गुरु है द्रोणाचार्य जो है वो उनके गुरु है, वो भी उस जगह पे उपस्थित है, और उसके साथ साथ अन्य कई सारे लोग उस स्थान पे उपस्थित है जो इनके किसी ना किसी तरीके से या तो उनके कौन लग रहे हैं, ससुर लग रहे हैं, या उनके साथ साथ उनके मामा लग रहे हैं, और कौन है वहाँ पे आए हुए हैं, उनके साथ साथ उनके मामा हो सकते हैं, कोई पौत्र हो सकते हैं, कोई पुत्र हो सकते हैं, भाई दुर्योधन आदि के पुत्र भी उस युद्ध में आए थे, दुर्योधन के और कर्ण का तो पुत्र नहीं था लेकिन दुर्योधन के पुत्र वहाँ पे आए थे, तो दुर्योधन के पुत्र अर्जुन को अपने पुत्र के बराबर ही हैं, उसके साथ साथ शल्य आदि भी थे जो कि उनके मामा के बराबर हैं, उसके साथ साथ भूरिश्रवा आदि जो थे सोमदत्त आदि जो उनको ससुर के समान लगते थे, अश्वत्थामा जैसे मित्र भी थे, पहले अश्वत्थामा अर्जुन के मित्र हुआ करते थे क्योंकि वो तो उन्हीं के पास दोनों मिलके एक ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे, द्रोणाचार्य के पास वो क्या करते थे, शिक्षा प्रदान कर रहे थे, इसलिए वो सबके सब उनके क्या है, मित्र लग रहे हैं। तो ये सभी लोग वहाँ पे उपस्थित है, इनको देखते हुए अर्जुन का क्या हो गया है, हृदय करुणा से द्रवित हो गया है, अर्जुन भगवान के भक्त होने के नाते उनके हृदय में क्या आ गई है, करुणा आ गई है इन सब लोगों को देख के, और इन लोगों को देख के जब उनके हृदय में करुणा आ गई है तो फिर वो क्या कह रहे हैं, आगे कुछ चीजें कह रहे हैं, तो आगे यहाँ से लगभग 28 नंबर श्लोक से लेकर अर्जुन इनको देख के उनके हृदय में करुणा जागृत हो गई है, 28 नंबर श्लोक से लेकर लगभग 29, 30 तीन श्लोक में अर्जुन क्या कर रहे हैं, अपनी करुणा दिखा रहे हैं। अभी अर्जुन भगवान के भक्त होने की वजह से वो जानते थे कि अगर ये युद्ध होगा तो इस युद्ध में क्या होने वाला है, सभी के सभी जितने सारे योद्धा इस युद्ध में उपस्थित हुए हैं, युद्ध करने की लालसा से यहाँ पे आए हुए हैं, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब मारे जाएंगे, इनमें से कोई बचने वाला नहीं है, सब मारे जाएंगे, और ये मारे जाएंगे इसलिए भगवान के भक्त होने के नाते अर्जुन के हृदय में स्वाभाविक करुणा जागृत हो गई। कई बार एक्चुअली भगवद्गीता का जो टर्निंग पॉइंट है वो यहीं से चालू होता है, इसके पहले तो है वो तो सभी का सभी क्या चल रहा है, सैन्य का निरीक्षण चल रहा है, यहाँ से कोई टर्निंग पॉइंट पे नहीं आ रही भगवद्गीता, लेकिन जहाँ पे अर्जुन के हृदय में करुणा चालू होती है वहाँ से क्या होती है, भगवद्गीता को एक तरीके से कह सकते हैं शुरुआत होती है। लेकिन वास्तव में प्रथम अध्याय में भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं, प्रथम अध्याय में अर्जुन को कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है, प्रथम अध्याय में तो बहुत सारे श्लोक तो संजय की है कि वो बता रहे हैं कि क्या क्या युद्ध भूमि में चल रहा है, और अभी अर्जुन ने यहाँ पे देखा है कि ये युद्ध की लालसा से ये सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं,
कैसी युद्ध की लालसा, क्योंकि ये युद्ध भी क्षत्रिय के लिए इंद्रिय तृप्ति का एक साधन है। अभी कोई सोचेगा कि युद्ध में तो मृत्यु हो जाती है, वहाँ पे इंद्रिय तृप्ति कहाँ से आ गई भाई? जहाँ पे ऐसी शस्त्र अस्त्र की स्पर्धा चलने वाली है, जहाँ पे मृत्यु अटल है, तो ऐसे जगह पे अगर कोई आता है तो फिर उसमें इंद्रिय तृप्ति का कहाँ संबंध है? कैसी इंद्रिय तृप्ति हो सकती है ऐसे जगह पे? लेकिन क्षत्रिय के लिए ये इंद्रिय तृप्ति के ही बराबर है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या, आहार निद्रा भयमयी ना, यही इंद्रिय तृप्ति। लेकिन कई कमार ये इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है, कुछ कुछ अन्य भी चीज़ें हो सकती है जो इंद्रिय तृप्ति होती है, और हमें भक्त होने के नाते हमें इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सी चीज़ है जो इंद्रिय तृप्ति है। जैसे एक बार से तो बात कर रहा था, दो साल पहले, एक साल पहले एक मूवी आई थी, कोई तो मूवी थी, मुझे मूवी का नाम नहीं याद, क्योंकि मैंने तो फिल्में देखना 20 साल पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन उसके पोस्टर में मैंने देखा था, हाँ मैं गाड़ी से गुजर रहा था यही बम्बई में से, तो उस पोस्टर में मैंने देखा था उस मूवी में अमिताभ बच्चन जी काम करने वाले थे। तो मेरे साथ एक भक्त थे, सीनियर ड्यूटी थे, मैं उनके साथ चर्चा कर रहा था, इनको तो धन की कोई कमी नहीं है, धन की तो कोई कमी नहीं है, धन तो इनके पास बहुत मात्रा में है, तो इतने ज़्यादा मात्रा में धन होने के बाद भी इस उम्र में वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? उनका उम्र भी 70 के प्लस हो गया है ना, जवान तो नहीं रहे अमिताभ, तो उम्र भी 70 के परे हो गया है, और फिर भी इस उम्र में इतनी मेहनत को क्यों करना चाहते हैं? हाँ, तब गाड़ी में मेरे साथ हमारे पूना टेम्पल के प्रेसिडेंट राय श्याम प्रभु, तो मैंने उनको ऐसे ही उनके साथ चर्चा करा था, तो बस चलिए बोले ये इंद्रिय तृप्ति है, धन की लालच नहीं है उनको, क्योंकि उनके पास धन बहुत है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की चीज़ में वो उनका जो प्रोफेशन है, एक्टिंग करना, अभिनय करना इटसेल्फ ही उनके लिए इंद्रिय तृप्ति है ना। कुछ चीज़ के लिए, कुछ व्यक्ति के लिए क्या इंद्रिय तृप्ति है वो हम कह नहीं सकते हैं। हमारे लिए हो सकता है खाना एक इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन वही छोटे बच्चे के लिए खाना इंद्रिय तृप्ति नहीं है, उसके लिए खेलना इंद्रिय तृप्ति है। हम लोगों को बाहर अगर धूप में जाने के लिए कोई कहेगा और वहाँ धूप में खड़ा रहो या धूप में घूमो, तो हम लोगों के लिए क्या लगेगा, वो परेशानी वाला है, दुखमय परिस्थिति है, धूप में बाहर निकलना घर से। लेकिन वहीं बच्चों को अगर आप धूप दिन भर, धूप के मई के सीजन में भी अगर आप दिन भर उनको ग्राउंड के ऊपर छोड़ दोगे खेलने के लिए, तो भी वो घर आएंगे कभी बिना बुलाए? नहीं आएंगे, वो वहीं रह जाएंगे, बुलाना पड़ेगा उनको जबरदस्ती, क्यों? क्योंकि उनके लिए वो इंद्रिय तृप्ति है, हमारे लिए भले ही वो दुखमय परिस्थिति है, लेकिन उनके लिए कैसी है वो इंद्रिय तृप्ति है। वैसे ही ये जितने सारे क्षत्रिय इतने सारे युद्ध के लिए आए हुए हैं, वो सब के सब वास्तव में क्या है उनके लिए इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति अलग अलग तरीके की हो सकती है, हर व्यक्ति की इंद्रिय तृप्ति अलग हो सकती है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने शिष्याष्टकम में जो कहा है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम व जगदीश काम, चार प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की बात है। किसी को इंद्रिय तृप्ति धन में लगेगी, इसलिए कुछ लोग है वो धन जुटाने के पीछे लगे, कुछ कुछ लोगों के पास तो धन बहुत मात्रा में है, उसके बाद भी वो धन जुटाने के पीछे लगे हैं। जैसे अंबानी आदि को आप देखेंगे तो कोई धन की कमी है उनके पास, कोई नहीं, फिर भी वो ज़्यादा धन क्यों जमाना चाहते हैं? क्योंकि उनके लिए इंद्रिय तृप्ति धन में नहीं है, धन में एक समय में इंद्रिय तृप्ति थी उनके पास, लेकिन अभी इंद्रिय तृप्ति उनकी कहाँ पे पहुँच गई है? उनकी इंद्रिय तृप्ति पहुँच गई है कि मैं भारत का सबसे धनी व्यक्ति हूँ, ये इंद्रिय तृप्ति की भावना है उनके लिए, और उसमें अगर थोड़ा सा भी नीचे गिर जाते हैं वो, तो उनको क्या लगेगा, उसमें दुख महसूस करेंगे, वो दुखी हो जाएंगे। देखिए उनके सामने अगर देखेंगे कि भारत का प्रथम अगर धनी व्यक्ति है, सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है, या भारत में द्वितीय नंबर का धनी व्यक्ति है, दोनों भी हमारे लिए तो बहुत अमीर है ना, फिर भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता ये दोनों भी चीजों से, लेकिन उनका अगर उनका एक स्थान भी वो नीचे आते हैं तो भी क्या हो जाएगा, उनके लिए वो दुख का विषय बन जाता है। मतलब उस स्थान को मेंटेन करना कि मैं भारत का सबसे धनी व्यक्ति हूँ, ये भी किसी के लिए क्या हो सकती है, आनंद की सुविधा नहीं है उसके लिए, उसके लिए वो इंद्रिय तृप्ति है, दुख का कारण नहीं है। आप देखेंगे कई सारे लोग रहते हैं जिनका अगर शेयर मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया, थोड़े से शेयर मार्केट नीचे गिर गया, तो उनका कुछ करोड़ का नुकसान हो जाता है,
कुछ करोड़ का नुकसान होगा, इसका मतलब ये नहीं कि उनके हाथ में अभी कटोरा आने वाला है और उनको रास्ते पे खड़ा रह के भीख मांगने की नौबत आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर भी वो लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, क्यों सुसाइड कर रहे भाई? तुरंत तो आप उतने भी गंभीर नहीं बने हैं, गरीब नहीं हुए कि आपको रास्ते पे जाके भिक्षा मांगनी पड़ेगी, उतनी गरीबी नहीं आई उनके पास, लेकिन फिर भी लोग सुसाइड करते हैं क्योंकि उनके लिए ज्यादा धन मेरे पास है, मेरे बैंक अकाउंट में इतना सारा धन है, ये धन को देखना ही उनके लिए इंद्रतृप्ति हो सकती है। खर्चा नहीं कर रहे उसको, लेकिन उसको सिर्फ पता चल रहा है कि ये एक्स अमाउंट ऑफ क्या है, इतना सारा धन मेरे बैंक अकाउंट में है, और यही उनके लिए क्या हो रहा है, इंद्रतृप्ति बन रही है, इंद्रतृप्ति का साधन हो रहा है। ऐसी हर व्यक्ति के लिए अलग अलग इंद्रतृप्ति हो सकती है। वैसे ही क्षत्रिय के लिए इंद्रतृप्ति क्या है, युद्ध करना इंद्रतृप्ति, और फिर हर किसी की उस इंद्रतृप्ति के साथ या उस विषय के साथ क्या हो सकती है, आसक्ति हो सकती है। जैसे क्षत्रिय किससे आ सकते हैं, युद्ध करने से आ सकते हैं, हम भी भक्त लोग भी कई सारे चीजों से आसक्त हो सकते हैं। अच्छा, आसक्तियों में से कुछ आसक्तियां हमें पता है, कुछ आसक्तियां तो हमें पता भी नहीं है। बहुत बार ऐसा सोचा जाता है कि धनी व्यक्ति धन के साथ आसक्त रहता है, हम लोग बहुत बार बोलते हैं यार क्यों इतना धन के साथ आसक्त हो, जिसके पास 25 करोड़ है तो खारघर में मंदिर का निर्माण चल रहा है, हमारे पास होते तो हम 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे ही दे देते मंदिर को। बोलना आसान है क्योंकि हमारे पास है नहीं, हमारे पास है ना 10 करोड़ है ना 20 करोड़ है ना 5 करोड़ है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सकते हैं भाई ठीक है तेरे पास अगर 20 करोड़ होते थे तो तू बोल रहा है कि उसमें से मैं 15 करोड़ मंदिर को दे देता था, तो अभी 20,000 रुपये सैलरी में से 15,000 दे दो, दे पाएंगे? नहीं दे पा रहे, नहीं दे सकते, क्योंकि हम आ सकते हैं उस चीज के साथ। हम बोल इसलिए रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हमारे पास है ही नहीं, हम सोचते हैं कि हम धन से आसक्त नहीं है, लेकिन वो तो तब पता चलेगा जब हमारे पास धन होगा। ऐसे कई सारी आसक्तियां हैं हमारी जिनमें हम है या नहीं हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो चीज ही हमारे पास नहीं है। हम कहते हैं कि भाई क्या ये जितने भी सारे मिनिस्टर आदि है ये लोग भी कुर्सी के साथ आसक्त है, हमारी तो कुर्सी के साथ कोई आसक्ति नहीं है, लेकिन ये आसक्ति है या नहीं कब पता चलेगी, जब कुर्सी मेरे पास आएगी ना। मेरे पास कुर्सी नहीं है तो बोलना बहुत आसान है कि मैं कुर्सी से आसक्त नहीं हूँ। जिस दिन हम किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर CM बन जाएंगे उस समय पता चल जाएगा कि हम उस पोस्ट से आसक्त है भी या नहीं भी है। ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है, ये ऐसे अनर्थ है जो हमें पता ही नहीं चलेंगे जब तक हम उस परिस्थिति से गुजरते नहीं है। वैसे ही ये जो कुरुक्षेत्र में जितने सारे युद्ध करने के लिए योद्धा आए हुए हैं, ये युद्ध से आ सकते हैं, और इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन बता रहे हैं कि ये सभी लोग युद्ध करने के लिए अर्जुन के सामने उपस्थित हुए हैं। और इन सभी लोगों को देखने के बाद जो युद्ध करने के लिए आए हुए हैं अर्जुन के साथ, इन सभी लोगों को अर्जुन ने देखा कि ये सभी लोग क्या हुए हैं, युद्ध करने के लिए आए हैं। काफी पूरा का पूरा हमने बहुत शॉर्टकट मार लिया, बीच में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे अलग अलग योद्धाओं का वर्णन आया हुआ है, लेकिन हम उसमें से किसी भी योद्धा की ओर नहीं गए, किसी भी योद्धा का वर्णन हमें नहीं सुना है, हमने बीच में से शॉर्टकट मार के आ रहे, क्योंकि हमें जो मूल भगवद गीता है, मूल जो प्रश्न है जो अर्जुन के हृदय में उपस्थित हुए हैं उनकी ओर ध्यान देना है, और उसके बाद हमें और भी आगे बढ़ना है। तो इन सभी लोगों को युद्ध की इच्छा से आए हुए लोगों को देखते ही अर्जुन के हृदय में क्या उत्पन्न हो गई है, करुणा उत्पन्न। यहाँ 27वें नंबर श्लोक में क्लियर कर दिया है, ये कौन कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं। तो वो 27वें नंबर श्लोक कह रहे हैं कि जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्र तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार हो गए, उनके हृदय में करुणा आ गई। अच्छा, अर्जुन के हृदय में करुणा क्यों आ गई इन सब लोगों को देखने के बाद, क्योंकि अर्जुन वास्तव में कौन है, भक्त है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने भगवद गीता सुनी और उसके बाद वो भक्त बने, नहीं, अर्जुन पहले से भक्त है, और भक्त है इसलिए भगवान ने उनको क्या कर दिया है, भगवद गीता का उपदेश प्रदान करने के लिए चुना हुआ है। जो भगवद गीता का उपदेश है वो अर्जुन को ही भगवान क्यों सुना रहे हैं,
क्योंकि भगवान ने उनको स्पेसिफिकली चुना है इस उपदेश को प्रदान करने के लिए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर कोई अश्रद्धावान है उसको अगर ये उपदेश प्रदान किया जाएगा तो वो क्या होगा, उसको सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन जो श्रद्धावान है उसको अगर ये उपदेश प्रदान किया गया, ये भगवद गीता का उपदेश दिया, तो वो क्या करेगा, उसको उसको ठीक से समझेगा, अपने हृदय में उतारने का प्रयास करेगा उस उपदेश को। इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना है। और अर्जुन कैसे है, उनका भक्त होने के नाते उनका हृदय बहुत क्या है, कोमल है। वास्तव में भक्त का हृदय कोमल होना चाहिए, जो हार्ड हार्टेड रहते हैं ना वो भक्त नहीं कर सकते हैं। भक्त का हृदय हमेशा का हमेशा कैसा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए भक्त का हृदय। भक्त हमेशा पर दुखी क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं ना, पर दुखी सुखी नहीं रहते हैं कभी भी। दूसरों का दुख देख के भक्त के हृदय में भी क्या होते हैं, दुख जागृत होता है, करुणा जागृत होती है, और फिर वो सोचता है कि किसी ना किसी तरीके से इनकी मदद की जाए। और अगर वो भक्त स्वयं मदद नहीं कर सकता है तो उनके लिए कम से कम वो क्या कर सकता है, प्रार्थना तो कर सकता है। इसलिए जब हम भक्ति मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं, प्रगति करने का प्रयास में जुटे हुए हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा हृदय भी कैसा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। अगर हम ध्यान नहीं देंगे हमारे हृदय कोमल है या नहीं, तो फिर क्या हो जाएंगे, हम भक्ति करके भी उसमें ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे। देखिए भगवद गीता में जगह जगह पे अर्जुन का वर्णन आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि अर्जुन एक भक्त होने के नाते उनका स्वभाव कैसा है, किस तरीके से वो प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे एक प्रश्न तो दुर्योधन ने पूछा था तीसरे अध्याय में, तीसरे श्लोक में हमने देखा ना, उन्होंने सीधा सीधा द्रोणाचार्य को क्या बोल दिया, तब शिष्य नदी में तुम्हारे शिष्य ने ऐसा किया, मतलब वो क्या कर रहे हैं, दोष दिखा रहे हैं। चैलेंजिंग वे से वो प्रश्न जब पूछ रहे हैं द्रोणाचार्य को, तो वो द्रोणाचार्य के अंदर दोष दिखा रहे हैं कि आपका शिष्य है, उसको आपने उसको अच्छे से ट्रेनिंग विनिंग नहीं दी है, इसलिए वो किनके साइड से चला गया, आपके अपोजिशन पार्टी में चला गया है आपने अच्छे ट्रेनिंग ना देने की वजह से। लेकिन यहीं पे वही दूसरे साइड में हम देखते हैं कि जब अर्जुन के सामने इतने सारे लोग उपस्थित होते हैं, तो इन सब लोगों को देखते हुए अर्जुन के हृदय में क्या हो रही है, करुणा उत्पन्न हो गई है। वो सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इन लोगों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, अभी क्या करना पड़ेगा इन लोगों के लिए, ये सभी के सभी, क्योंकि अर्जुन जानते हैं इस युद्ध में मतलब क्या होता है, जितना जितने लोग युद्ध में आते हैं तो युद्ध में नरसंहार होता है, कई सारे योद्धा मारे जाते हैं। तो जब अर्जुन देख रहे हैं ऊपर से ये सभी के सभी योद्धा कौन है जो अपोजिट पार्टी में है, ये सभी के सभी मेरे रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार के साथ साथ इन लोगों को पता नहीं इन मूर्खों को क्या होने वाला है, इस युद्ध में वो क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। इसलिए अर्जुन का हृदय द्रवित होकर अर्जुन आगे कहते हैं, तो 28 नंबर श्लोक से अर्जुन चालू हो जाते हैं। वहां पे कह रहे हैं, दृष्टमे सुजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्टति। अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इन सभी लोगों को जो युद्ध करने के लिए मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, इनको देखते ही मेरा क्या हो रहा है, शरीर में क्या आ गया, कंपन हो गया है मेरा, मम गात्राणि मुखम च, उनका मेरा मुख भी क्या हो गया है, सूख गया है। कभी कभी ज्यादा अगर कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो उसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं ना, अगर ज्यादा भय हो जाए तो व्यक्ति का मुख सूख जाता है ना, और कभी कभी अगर और ही ज्यादा व्यक्ति भयभीत हो जाए तो उसको क्या होता है, कंपन आने लगता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो अर्जुन के लक्षण हैं युद्ध की कल्पना से या युद्ध होने वाला, की वजह से जो अर्जुन के पास जो लक्षण प्रकट हो गए हैं, तो कहते हैं कि ये किनके लक्षण है, ये देवताओं के लक्षण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर देवताओं के सभी गुण क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और जो अभक्त है उनके अंदर किसके गुण है, असुरों के गुण है। अभी हम कहां पे हैं, हम बीच में हैं, हम ना पूर्ण रूप में ना असुर है, ना पूर्ण रूप में ना भक्त बने हुए हैं।
या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि हम असुर है, लेकिन हम ऐसे असुर है जो भक्त बनने का प्रयास में जुटे हुए हैं। कुछ कुछ असुर हो तो भक्त बनने का प्रयास ही नहीं है, तो पूर्ण तरह से असुर है, पूर्ण रूपे में असुर है। लेकिन हम ऐसे कैसे असुर है, हम असुर की तरह हो सकते हैं लेकिन हम भक्त बनने के प्रयास में लगे, क्योंकि हमारे अंदर ये लक्षण नहीं दिख रहे जो अर्जुन के अंदर ये लक्षण। अर्जुन के क्या हो गया है, इन सभी लोगों का। हालांकि देखिए, किसके ऊपर अर्जुन को करुणा आ रही है इतनी, किसको मृत्यु को देख के, वे सभी लोग मारे जाने वाले हैं, इन लोगों का मृत्यु होने वाला है, ये सोच के जिनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो रही है अर्जुन के, वो वैसे तो ये सभी के सभी लोग क्या है, इन्हीं के साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। मतलब दूसरे तरीके से देखेंगे तो ये सभी के सभी जो योद्धा है वो अर्जुन के कौन है, शत्रु। लेकिन शत्रु के सर के ऊपर भी मृत्यु को मंडराते देख अर्जुन का क्या हो गया है, हृदय पूरी तरह से द्रवित हो गया है, उनके अंग कांपने लगे हैं। और ये सब बोलते हुए वो अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, वेपत्युष शरीरे में रोम हर्ष जायते गांडिव गांडिव संस्तते हस्ता तात्वे च परिदाहके। मेरे सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, और मेरी त्वचा चल रही है। ये सभी लक्षण बोल रहे हैं अर्जुन, सिर्फ इसलिए कि दूसरों का दुख देख के अर्जुन के अंदर ये कंपन आ रहे हैं। उनको पता है कि मेरे साथ ये कुछ नहीं होने वाला, हम तो क्या होने वाले, युद्ध जीतने ही वाले हैं, लेकिन जो मेरे साथ जो सामने जो लोग खड़े हैं वो युद्ध में हारे, और उसके साथ साथ युद्ध में हारेंगे मतलब क्या है, युद्धों का दो ही परिणाम, या तो जीत होगी नहीं तो मृत्यु प्राप्त होगा। हरा हुआ पार्टी मतलब वो मृत्यु तक लड़ते रहते हैं, मृत्यु तक युद्ध करते हैं, तो उनका क्या हो जाता है, आखिरी में मृत्यु हो जाता है। तो इसलिए बोल रहे कि जो बाकी लोग हैं वो तो क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, और इनको देखते हुए उनका क्या हो रहा है, उनका हाथ से जो अपना धनुष है वो भी ठीक से वो पकड़ नहीं पा रहे, उनके शरीर के ऊपर क्या हो रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। और ऐसी सिचुएशन में अर्जुन अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए। उनको लग रहा है कि ये कुछ तो सही नहीं हो रहा है, इसमें इतना सारा नरसंहार होगा, इतने लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, उससे अच्छा है कि मैं क्या नहीं करूँगा, नहीं ना करूँ, फिर युद्ध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करेंगे तो मैं सन्यास लेके जंगल में चला जाऊँगा, जंगल में जाकर रहूँगा। तो ऐसी कई सारी चर्चा है। तो अर्जुन मूलतः यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को युद्ध ना करने के पांच वजह बता रहे हैं, पांच वजह बता रहे हैं, जो कि यहाँ पे 31 नंबर श्लोक से शुरुआत होती है या 30 नंबर श्लोक से शुरुआत होती है। उसमें से चार रीजन है क्यों अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। वो चार रीजन भगवद गीता के प्रथम अध्याय में आते हैं, और पांचवा रीजन है वो कहाँ पे आता है, द्वितीय अध्याय में आता है। ऐसे पांच रीजन अर्जुन ने बताए हैं युद्ध ना करने के लिए, और अर्जुन ने ये पांच रीजन बताने के बाद वो भगवान को बोलेंगे कि आप गुरु हो और मैं क्या हूँ, शिष्य हूँ, इसलिए आप क्या करो, मुझे वैसा उपदेश प्रदान करो। और उसके बाद लगभग ना दूसरे अध्याय के एक 10 श्लोक के बाद 11वें श्लोक से भगवान बोलने का, जब अर्जुन शिष्यत्व स्वीकार करता है, भगवान का शिष्य बनने के लिए रेडी हो जाता है, तभी भगवान उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। अभी सब क्या है, अर्जुन ने सिर्फ अर्जुन बोल रहा है कि मुझसे क्या नहीं होगा, मुझसे युद्ध नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सब लोग जो है वो मेरे अपने हैं, मेरे अपने सगे संबंधी है, और इन्हीं लोगों को मुझे क्या करना पड़ेगा युद्ध में, इन्हीं लोगों का वध करना पड़ेगा, और इसलिए वो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो युद्ध ना करने के उन्होंने कौन कौन से पांच कारण बताए, वो हम बहुत ही श्लोक के साथ अगले कक्षा में देखेंगे, क्योंकि वो हर के ऊपर एक अच्छा क्या चाहिए, डिस्कशन चाहिए, इसलिए हम उसको अगली कक्षा के लिए रखते हैं, हम अगली कक्षा में। किसी को कोई प्रश्न है?